हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने रियल ब्राइट पे एक मेकअप ट्यूटोरियल बताने जा रही हूँ। आप लोग देखिए और बताइए कि आपको इनका लुक कैसा लग रहा है। इनके लुक का डिमांड था, बहुत ही सिंपल स्वीट एलिगेंट रॉयल ब्राइडल लुक चाहिए था इन्हें, उस हिसाब से मैं क्रिएट की हूँ। ये देखिए, एक ओवरऑल लुक मैं आपके पास प्रेजेंट कर रही हूँ। हाँ, तो बताइए कि ये इनका पूरा लुक है, कैसा लग रहा है आप लोगों को कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फर्स्ट स्टेप है टोनर। इनका फेस मैं पहले अच्छे से क्लीन करके जो भी इसका टोनर यूज़ कर रही हूँ, जिससे इनकी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट मिलेगा। नेक्स्ट है शॉपरल का हाइड्रेटिंग बूस्टिंग क्रीम, ये भी स्किन को अच्छी तरीके से हाइड्रेट करेगा। नेक्स्ट है एम्ब्रोलिस का मॉइस्चराइज़र, ये मॉइस्चराइज़र के साथ साथ प्राइमर भी है, ये प्राइमर का भी काम करेगा। इसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे लिक्विड हाइलाइटर। ये है शी ग्लैम का लिक्विड हाइलाइटर, जो इनर तरीके से स्किन को ग्लो करेगा, इंटरनली ग्लो करेगा। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे माय मेकअप स्टोरी का कंसीलर पैलेट से ऑरेंज कलर करेक्टर, इनके अंडर आई को और उसे हम लोग छुपाएंगे या करेक्ट करेंगे। इसके बाद से हम लोग हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन अप्लाई करेंगे उनके स्किन पे और एक स्मूथ स्किन फिनिशिंग बेस क्रिएट करेंगे। इसके बाद से हम इसे क्रीम कंटूर से इनके फेस को कंटूरिंग करेंगे। अल्ट्रा एचडी में सारा प्रोसेस डबल होता है, जिससे कि पहले क्रीम कंटूर, इसके बाद से हम लोग क्रीम ब्लश यूज़ करेंगे। ये क्रीम ब्लश ऑन है माय मेकअप स्टोरी का। इसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे लिक्विड हाइलाइटर जो टाटे का है, इनके जितने भी अंडर आई, नोज़ के ऊपर और जितने भी हाई पॉइंट है हमारे फेस के हाईलाइट एरिया करने के एरिया को हाईलाइट करेंगे। उसके बाद से उसे अच्छी तरीके से हम लोग एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर से डैप कर देंगे। उसके बाद से डैप करने के बाद अब हम लोग इसी बेस पे पाउडर हाइलाइटर लगाएंगे। ये ओफ्रा का पाउडर हाइलाइटर है, ये हमारे अल्ट्रा एचडी का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। इससे ग्लास फिनिश लुक आता है और बहुत ही स्मूथ बेस क्रिएट होता है। उसके बाद हम लोग पाउडर से बेकिंग करेंगे। ये मैंने कंप्लीट हुडा ब्यूटी के पाउडर से बेकिंग कर दिया है। इसके बाद से सेम प्रोसेस होगा, लेकिन बट ये सारे पाउडर में होंगे। बेकिंग करने के बाद पाउडर कंटूरिंग पहले करेंगे, उसके बाद पाउडर कंटूर करने के बाद पाउडर ब्लशन। मैं मैक का यूज़ कर रही हूँ। सेम उसी तरीका से पाउडर ब्लशन होने के बाद हम लोग बहुत ही अच्छे से कॉम्पैक्ट से सारे बेस को सेट कर लेंगे। ये कॉम्पैक्ट का हम NC25 यूज़ कर रहे हैं मैक का, इससे सारे बेस को अच्छी तरीका से सेट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग हुडा ब्यूटी का ये पिंक हाइलाइटर है, या टॉपर भी बोल सकते हैं इसे, ये मैं यूज़ करूँगी। उसके इससे बहुत ही खूबसूरत पिंक स्मूथ फिनिशिंग बेस क्रिएट हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएंगे। उसके बाद मैं एनेस्थीसिया के आई पोमेंट से आईब्रो क्रिएट करूँगी। इसके बाद इसके आई लिड पे मैं टाटे का कंसीलर दी हूँ, जिससे जो भी आई मेकअप करेंगे वो बहुत ही खूबसूरत तरीक़ा से उभर के आएगा। और ये पूरा आई मेकअप मैं हुडा ब्यूटी के पैलेट से क्रिएट की हूँ। देखिए, बहुत ही सुंदर और ख़ूबसूरत है ये आई मेकअप, बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये फ्लावर बन मैंने उसके बाद क्रिएट किया है, गुलाब की पंखुड़ियों से बहुत ही खूबसूरत मैंने फ्लावर बन क्रिएट किया था। और ये रहा कंप्लीट लुक इनका, देखिए इनका कंप्लीट लुक देखिए, और कैसा लग रहा है आपको हमको बताइए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। और साथ में ही मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में लिखिए आपको कैसा लग रहा है। अपने स्पेशल डे की बुकिंग के लिए मुझे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। मेरा नंबर है 8617884313। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।